मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रखेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस संडे जो आपका टेस्ट हुआ था, वो टेस्ट का नाम क्या था बच्चों? चैप्टर नाम था, वो नाम था उसका केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर, ठीक है ना? जिसका बच्चों टेस्ट कोड था UK 80 2324 का। तो बच्चों आज हम इस क्लास में क्या करने वाले हैं? आज बच्चों हम इस क्लास के अंदर उसका सोल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? अगर बच्चों मैं क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करूं, तो क्वेश्चन पेपर कैसा बच्चों? ये थोड़ा आपका मॉडरेट लेवल का था। कुछ क्वेश्चन बच्चों आपको ऐसा हो सकता है जो कि आपका सेकंड ऑर्डर से पूछा होगा, ऐसा क्वेश्चन कुछ आए थे, ठीक है ना? जिन बच्चों ने अच्छे से अटेंड किया, बहुत अच्छी बात। जिनको थोड़ा डाउट हो गया बच्चों, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे आपको डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। एंड बच्चों आप उसका देखकर आप उससे उसका प्रॉपर सोल्यूशन कीजिएगा, ओके? कुछ क्वेश्चन बहुत इजी भी थे, उससे बच्चों हम डिस्कस करते, ओके? चलिए स्टार्ट करते क्लास, सोल्यूशन बच्चों, ओके? चलिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या होगा? सिंपल सी बात है बच्चों, कि यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलेस आपको नोट डाउन करने हैं जितने यहाँ पर आ रहा है, और आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि ये आपका काफी इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होने वाला, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। तो बच्चा पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या पूछा गया है। बच्चा बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, देखो जरा। द फॉर द फर्स्ट ऑर्डर 50% खत्म होने में आपका इतना टाइम लग रहा है, बोला कि अगर आपका 100% अगर पूरा रिएक्शन करता तो कितना लग रहा। तो बच्चा मैंने आपको इसको नोट डाउन कराया था मैंने आपको, है ना? फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना, रिएक्शन को 100% खत्म होने के लिए बच्चों आपको वहां पे इनफिनाइट टाइम लगता है। तो आप बोलोगे ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। अगर बच्चा हम न्यूमेरिकल कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते, देखो जरा। के इज इक्वल टू 2.303 / t log r नॉट अपॉन r। बच्चा हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो r है वो क्या बच्चा हो रहा है, वो आपका 100% कंज्यूम हो, खत्म हो जाए, तो क्या होगा? आप बोलोगे यहाँ पे अगर ऐसे बोल रहे हैं 100 अपॉन 100 - 100, तो डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, तो क्या हो, ये आपका इन्फिनिटी चल जाएगा। तो यहाँ पे देखो तो इसका सोल्यूशन दे दो बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका इन्फिनिट, तो ये आपका कभी कंप्लीट होगा ही थ्योरेटिकल बेस। तो ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आपका, होगा राइट आंसर, होगा पहले का बच्चा ऑप्शन डी होगा आपके राइट आंसर, ठीक है? अब बच्चा हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जरा। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपका है, ये आपका इक्विलिब्रियम और आपका स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन से क्वेश्चन आया बच्चों, ठीक है ना? अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन अभी फिलहाल JEE में बहुत कम पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन आपको JEE एडवांस में देखने मिलेंगे, ठीक है ना? तो एक बार क्वेश्चन समझो क्या बोला है, ठीक है ना? क्वेश्चन बच्चा ये बोला गया है, एक आपका रिएक्शन है जो कि यह आपका रिएक्शन, ये आपका रिएक्टेंट है और ये आपका प्रोडक्ट है। बोला क्या है, जब मैं इसका रेट लिखता हूँ तो क्या होता है? अब बोला गया है NO के टर्म में सेकंड ऑर्डर है और आपका ऑक्सीजन टर्म में आपका फर्स्ट ऑर्डर है। अब आपको एक मैकेनिज्म दो, ये आपका मैकेनिज्म दिया गया है। मैकेनिज्म से पूछा गया है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आपका सही ऑप्शन है। तो बच्चों जब भी आपको ऐसा देंगे बच्चों, तो क्या होता है, जो आपका सबसे स्लोएस्ट ऑर्डर वो होता है रेट डिटरमिनिस्टिक। देखो आप बच्चों ये हमारा है मेन इक्वेशन, देखो ये हमारा मेन इक्वेशन है, ध्यान सर पे समझो, ये आपका हमारा मेन इक्वेशन है, देखिए ये। तो अगर मैं जो आपका स्लोएस्ट, अगर आपका ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, इसे बोलते हैं RDS, इसे बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, तो उसका रेट बच्चों कैसा होगा? आप बोलोगे रेट होगा इज इक्वल टू के टाइम्स, हम खाली रिएक्टेंट वाले पार्ट की बात करते हैं, तो क्या होगा? आप बोलोगे कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 और यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ O2, राइट बच्चों? लेकिन जो हमारा एक्चुअल रिएक्शन है उसमें तो आपका NO दिया गया है, यहाँ पे तो N2O आ रहा है, तो कैसे करेंगे? अब आप जाते हैं आपका पहला इक्वेशन पे, देखिए जरा, ये आपका रैपिड है और ये आपका इक्विलिब्रियम है। तो बच्चा हम यहाँ पे के इक्विलिब्रियम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, यहाँ पे हम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट निकालते हैं। तो बच्चा अगर मैं पहले इक्वेशन का के इक्विलिब्रियम तो कैसा आएगा? आप बोलोगे प्रोडक्ट में आपका N2O2 है, तो कंसेंट्रेशन ऑफ N2O2 डिवाइड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ NO,
तो यहाँ पे एनओ डाल दो, और स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के ऊपर टू है तो यहाँ पे आप इसके जगह पावर में टू जाए। तो बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन से अगर मैं यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 निकालू तो क्या आएगा कि इक्विलिब्रियम इनटू NO2 का स्क्वायर। अब देखो जो हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, जो कि हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, यहाँ पे कलर था चेंज कर लेता हूँ, जो ये पार्ट था जब मेरा पहला इक्वेशन था बच्चों, यहाँ पे N2O2 है तो इसका हमने जो वैल्यू निकाला ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो, क्या क्या आपका आंसर आएगा, आपका रेट आ जाएगा रेट इज इक्वल टू के इंटू के इक्विलिब्रियम N2 स्क्वायर इंटू ओ टू। देखिए जरा ये जो पहला इक्वेशन है जो इनिशियल दिया था, ये पार्ट और ये पार्ट ऑलमोस्ट सेम ही है राइट बच्चों, देखिए है कि नहीं। ओके ये पार्ट है। तो बच्चों आप देखो अगर मैं के और के इक्विलिब्रियम को मल्टीप्लाई करूं तो बच्चों मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा के डैश, मुझे यहाँ पे के डैश मिलेगा राइट, मुझे यहाँ पे के डैश मिलेगा। देखो तो आपका जो रेट कॉन्स्टेंट क्या होगा, क्या वो आपका के इक्विलिब्रियम के टू है, देखो मतलब कि हम क्या इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो जरा हाँ है ना एकदम कर रहे हैं। दूसरा देखो जरा जो आप बोला गया जो आपका N2O2 है, जो आपका N2O2 है वो क्या है के इक्विलिब्रियम इनटू NO2, देखो हमने क्या लिखा था N2 क्या बच्चों यहाँ पे है के इक्विलिब्रियम इनटू के NO2, ये पार्ट भी सही आ रहा है। तो क्या बोलो आप बोलोगे कि आपका जो पहला क्वेश्चन वो भी सही है और जो आपका सेकंड वाला सही है, बच्चों थर्ड वाला गलत है बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर ना चाहिए था। देखिए हमने जब मैंने इस सिक्वेंस सॉल्व किया तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा था, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है तो आप थर्ड ही होगा। तो क्या बोलोगे आप बोलोगे ऑप्शन ए होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर, दैट इज 1 एंड 2 आर द राइट आंसर। अब बोलोगे यहाँ पे 1 एंड 2 आर द राइट आंसर होगा। क्या इतना पार्ट सबको समझ आया बच्चों, इजी क्वेश्चन है। हाँ ये पार्ट अभी पढ़ा नहीं हो तो आपको नया लग रहा होगा, लेकिन अगेन समझो तो इजी है। तो हम बच्चों जो आपका एक्स्ट्रा क्लास होगा जब हम रिवाइज करेंगे इस चैप्टर को, तो ये पार्ट भी हम उसको में डिस्कस करेंगे। ओके आगे बढ़ते बच्चों, और ये देखो ये रहा इसका प्रॉपर मैकेनिज्म, यहाँ पे देख सकते हो एक बार मैंने समझा दिया आपको, करोगे तो आपको ये पार्ट भी समझना है। तो आगे बढ़ चलिए, अब बच्चों आप देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो बोला गया द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इनिशियल बट द इनिशियल रेट्स बोला गया, ठीक है ना, ये आपका इनिशियल रेट के बारे में बोल दो। यहाँ पे आपका दिया है प्रेशर ऑफ NO, यह बोला गया रेट में देता। अगर बच्चों में कोई रिएक्शन करवा रहा हूं तो हम खाली बच्चों रिएक्टिंग की बात करते हैं, तो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो रेट के बाद क्या बचाएगा के इंटू NO, और यहां पे आएगा H2, यहाँ पे आएगा एक्स और यहाँ पे आएगा वाई, ऐसे हम यहाँ पे रेट को सीखते हैं। अब देखो अब बच्चों हमें यहाँ पे ना ये सारा टर्म्स हमें देखना है कि वैल्यू क्या हो सकता है, हमें इन टर्म्स हमें देखना पड़ेगा हमारा वैल्यू क्या हो सकता है। अब देखो अब बच्चा आप इसको ए मानो एंड इसे आप बी, देखिए है ना ये देखो सर। अब देखो बच्चों अगर मैं NO की बात करूं, देखो अगर मैं ये मैं थर्ड क्वेश्चन देखो ये मैं 0.25 से 0.5 कर रहा हूँ, ओके मतलब क्या बच गया, जब मैंने NO का प्रेशर को डबल किया, कहाँ से बच्चों 0.25 से 0.5, बच्चों रेट में क्या डिफरेंस, देखो ये आपका 0.0012 से ये चला गया 0.48। अब देखो 12 फोर्स का कितना बच होता है बताओ जरा, 40 होता है ना, देखो तो मतलब बच्चे क्या हुआ जो मैं रेट था वो कितना बच हो गया, वो आपका 4 गुना हो गया जब मैंने NO का प्रेशर को डबल किया, तो मेरा रिएक्शन रेट आपका कितना हो रहा है, देखो ये आपका 4 टाइम्स हो जा रहा है। तो अगर सिंपल सी बात, अगर मैं रेट को हाँ सॉरी अगर मैं प्रेशर को या मैं प्रेशर या कंसेंट्रेशन को डबल कर रहा हूं और मैं रेट हो जा रहा है 4 टाइम्स, तो क्या बचेगा वो आपका सेकंड ऑर्डर फॉलो करेगा। तो यहाँ पे एक्स क्या बचेगा, एक्स यहाँ पे होगा 2 आज, X2 आज।
अब बच्चन बात करते हैं आपका, अब बच्चन बात करते हैं आपका हाइड्रोजन की बात करें। देखो यहाँ देखो, जब मैं देखो, जब मैंने हाइड्रोजन को देखो 0.1 से 0.2 के लिया, मतलब किसका डबल किया मैंने, मैंने इसका इसको डबल किया, 0.1 से 0.2 किया, तो क्या हो देखो, आप ये बोलोगे जो रेट हाइड्रोजन का, तो क्या हो रहा है वो आपका 0.24 से 0.48, मतलब कि ये भी आपका डबल हो रहा है। अगर मैं प्रेशर या कंसेंट्रेशन को, अगर मैं प्रेशर यहाँ पे चेंज करता हूँ, ये पहला तो दूसरा, अगर मैं प्रेजेंटेशन प्रेशर कंसेंट्रेशन को डबल करता हूँ, और मैं रेट क्या हो रहा है बच्चों, ये भी मेरा डबल ही हो रहा है, तो ये क्या करें बच्चों, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करें, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे जो वाई वाई क्या हो जाए, वाई आपका यहाँ पे बना, तो ये बन गया बच्चों। अभी आपको बच्चों क्या निकालना, अभी बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है रेट कॉन्स्टेंट, मतलब क्या निकालना है, कोई रेट के बच्चों का था माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एनओ का स्क्वायर इंटू एच टू का पावर 1, ये आपका वैल्यू आ गया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको सॉल्व करके, मैंने टेबल सॉल्व करके मैं 2 निकाला। अगर आप इसका सोल्यूशन देखो, ये देखो बच्चों कितना बड़ा सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया बच्चों, बहुत दिक्कत दो। देखो यहाँ पे ए क्या बचा है, देखो ए यहाँ पे आपका, यहाँ पे इन्होंने पहले रखा है, इन्होंने पहले एच टू को रखा है, एच टू का फर्स्ट ऑर्डर होगा और एनओ का यहाँ पे सेकंड ऑर्डर, देखो तो ओवरऑल 3 आ जाए, तो एनओ का पार्ट 2 और पी के पार 1। ओके अब देखो रेट कॉन्स्टेंट कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे माइनस डीपी बाई डीटी, क्या देखो तो बच्चों आपके इनिशियल रेट क्या, देखो बच्चों ये आपका इनिशियल रेट है माइनस डी आर बी टी, कितना ये आपका है 0.048, तो आपका डी आर बी टी क्या हो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.0, ये आ जाएगा 0.048 इज इक्वल टू एनओ, बच्चों एनओ का प्रेशर कितना था 0.5, इससे क्या हो इसका स्क्वायर हो जाएगा बिकॉज एनओ के पास स्क्वायर है, तो देखो जरा 0.5 का स्क्वायर और यहाँ पे 0.2, ये कहाँ से बच्चों, ये आपका है हाइड्रोजन इसे प्रेशर है, देखो ये 0.2 है, तो यहाँ पे क्या है के टाइम से क्या मैंने 0.5 का स्कोर आ रहा है, 0.2 है के निकाला, तो बच्चों जब मैंने के निकाला आपका आंसर क्या, आपका आंसर आ गया 0.092, ये आंसर है, तो आप बोलोगे ये आपको राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी होगा, क्या बच्चों ये होगा आपका, होगा राइट आंसर, ऑप्शन डी होगा, यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर। समझ मारे बच्चों, देखो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस मेथड से करना, जैसे मैंने आपको बताया उस मेथड से करना पड़ेगा, तो अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बोलना, मैं आपको सेम क्वेश्चन आपको मैं क्लास से करा, ओके चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ओके चल आगे बढ़ते। अब बच्चों देखो यहाँ पे आपका 0 ऑर्डर से यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों क्वेश्चन कहाँ सा है देखिए जरा, बच्चों क्वेश्चन आपका है 0 ऑर्डर से क्वेश्चन है, तो 0 फॉर्म में बच्चों क्या होता है, 0 फॉर्म में क्या होता है, अब बोलोगे के टी इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर, याद करो हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था बच्चों, है ना, तो बच्चों यहाँ बोला गया टी 3/4% और बोला टी हाफ से कम पिकल, बच्चों टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता है क्या बच्चों का आर नॉट बाई 2 के, ये तो हमने पहले से पढ़ा हुआ है, भाई बच्चों में खाली यहाँ पे टी 34% निकालना है, देखो टी 3/4 मतलब बच्चे होगा इतना खत्म हो चुका, देखो मतलब आप ही बोलोगे आर क्या बच्चों, ये आपका 3/4 टाइम से आर नॉट से, इसकी बात करें तो टी 3/4 क्या होगा आर नॉट माइनस 3/4 आर नॉट डिवाइड बाई के, तो क्या आंसर आएगा 1/4 आर नॉट बाई के, देखो है ना, आप यहाँ पे आर नॉट कॉमन निकाल लो तो क्या होगा, जैसे आपने यहाँ पे आर नॉट कॉमन, क्या होगा ऐसा होगा 1 माइनस 3/4 सोल्व करो, तो वो आपका आएगा आएगा आपका 1/4 आएगा, तो यहाँ पे आ गया आर नॉट बाई 4 के, अब देखो ये आपका आ गया टी 3/4 का, ये इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया, अभी आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, अभी आपको दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा, एक ये है और एक ये है, तो कैसे कंपेयर कर दो जरा, दोनों डिवाइड करो, क्या दोनों डिवाइड कर दो टी 3/4 डिवाइड बाई टी, हाँ तो क्या बचोगे दो
आर नॉट बाई 4 के डिवाइड बाई आर नॉट बाई 2 के। अब ये आपका रिसिप्रोकल क्या हो, ये आर नॉट कैंसिल हो जाएगा तो क्या 2/4 आएगा। ओके सॉरी गलती का शिकार, हाँ बच्चों देखो देखो देखो, ये आपका 3/4 टाइम्स आया, सॉरी मैंने यहाँ पे बच्चा मिस्टेक कर दिया। अगर आपका 3/4 खत्म हो गया तो आप बोलोगे आपका 1/4 बचा हुआ है, ताकि बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे आपका 1/4 आए, तो यहाँ पे आपका 3/4 आपका बचता है। अगर बच्चों गलती हो गया ध्यान दो, तो यहाँ पे 1/4 बचता है ठीक है ना। सॉल्व करो तो क्या होगा 1/4, तो आपका देखो बच्चों 3/4 में क्या होता है, ये होता है दैट इज इतना खत्म हो चुका, तो बचा कितना है आर आपका हो, आर नॉट आपका हो जाएगा 1/4 टाइम्स ऑफ आर नॉट, इतना आपका ठीक है ना। तो ये आपका टी 3/4 का वैल्यू आ गया, ये आपका टी हाफ का वैल्यू आ गया, दोनों जुड़ के क्या हो गया आया 3/4 टाइम्स ऑफ 2 दैट इज 3/2, तो इसका आंसर आ गया 1.5 टाइम्स ऑफ 2। तो ऐसा बच्चों हमने क्वेश्चन, अगेन इक्वेशन को बनाना चाहिए, 3/4 हमें निकालना है, तो क्या होगा बच्चों जब आपका ये 1/4 टाइम्स हो जाएगा तभी आपका 3/4 आएगा, देखिए जरा। ओके टी एफ क्या हो गया आपका 1/2, तो 1/2 आ गया यहाँ पर आ गया, आप तो बोलोगे आपका ये आंसर। ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर होगा आपका राइट आंसर ठीक है। चल आगे बढ़ते, अब बच्चों यहाँ पे देखो यहाँ पे और एक क्वेश्चन पूछा गया आपका, 0 ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा गया। अब बच्चों 0 ऑर्डर वाला जब भी बच्चा पार्ट आता है हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है देखो, दैट इज टी 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ, ये आपका फॉर्मूला होता है। अगेन ये फॉर्म बच्चों आपको आपको नोट करना चाहिए, इस फॉर्मूला का आपको नोट करना चाहिए। तो बच्चों 2 टाइम्स होता तो टी हाफ बचका, तो ये होता है आप बोलोगे ए बाई 2 टाइम्स होता है, तो क्या होगा ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा जो आपका टी एफ क्या होगा ये हो जाएगा ए बाई, तो आप बोलोगे ऑप्शन होगा सी होगा इसका राइट आंसर, फिफ्थ का होगा ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। देखिए सर देखो ये आपका 2 टाइम्स ऑफ टी होता है, इसको बच्चों इस वाले पार्ट को आपको यहाँ पे नोट डाउन कर कमा। धन मेरे पर बच्चों, अगेन इक्वेशन को बनाना आपको है ना, जितना आप इक्वेशन को प्रॉपरली बनाओगे तब जाके आप आपका राइट आंसर बनेगा है ना। आगे बढ़ते बच्चों आगे बढ़ते, अब बच्चों आपको ग्राफिकल क्वेश्चन पूछा है, देखो बोला देखो आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है के इज द रेट, और ये आपको हो जा रहा है इसमें, और आपका टाइम हो गया, तो बोला बच्चों ये आपका एक आ रहा है ये आपका स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो ग्राफ कैसा आएगा। तो बच्चे हम क्या देखते हैं, हमारे ग्राफ ऐसा होता है, हमारे ग्राफ ऐसा होता है नेगेटिव स्लोप में जाता है ना। तो बच्चा हमने क्वेश्चन कैसे कहता, ऐसे कहता देखो लॉग आर या आप इस सिटी मान ली क्या होता है इज इक्वल टू के टाइम्स, ओके के टाइम्स प्लस लॉग सी नॉट, ये बच्चा बन जाता है क्वेश्चन। ओके तो ग्राफ प्लॉट बच गया आपको सही राइट आंसर, बच्चा क्या बोलोगे अब बोलोगे वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, या माइनस भी आता है ना माइनस के प्लस सी, तो वाई में ये जाएगा एक्स में ये जाएगा, तो स्लोप अगर 180 ये होगा इंटरसेप्ट क्या होगा, हमें बच्चों ग्राफ प्लॉट करना पड़ता है लॉग सी टी वर्सेस टी प्लॉट करता हूँ। ओके तो क्या आंसर आएगा आप बोलोगे ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट, लॉग यहाँ पे सीटें और यहाँ पे देखो स्लोप आपका है माइनस के टाइम्स होगा, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे ऑप्शन बी होगा बच्चों का राइट आंसर। अगेन बच्चों ये आपका फर्स्ट ग्राफ बच्चों, अगेन जे में से क्वेश्चन आते रहे, ये तो इजी क्वेश्चन ग्राफिकल क्वेश्चन देखे बच्चों, तो बोलोगे सिक्स का ऑप्शन बी होगा। तो बच्चों यहाँ पे आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला गया बच्चों, जहाँ पे आपका मल्टीपल स्टेप हो रहा है, अगेन ऐसा बच्चा हमने ग्राफ हमने क्लास से पढ़ा नहीं, तो अगर आपको आया बच्चों तो इसको आप नोट डाउन करिए, थोड़ा सा ये मैं बोलूंगा थोड़ा सा आपका हार्ड क्वेश्चन टाइप बने। तो बच्चा हम क्या बोल सकते हैं, तो बच्चा हम ये बोल सकते हैं देखो
अगर आपका नॉर्मल बच गया तो क्या आप बोलोगे नॉर्मल का ये आंसर होता है, लेकिन दो बच्चों यहाँ पे आपका मल्टीपल स्टेप हो रहा है, फास्ट हो गया तो क्या बच्चों देखो पहला आपका एंट्री बनेगा फिर आपका गेन जाके बताओ, आप बोलोगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर, बिकॉज आपका एक्सर में तो क्या होगा आप बोलोगे रोड के थोड़ा सा ऐसा ग्राफ कम फिर इंटरमीडिएट फिर आपका दिन जाता, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो ये आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ, तो ये बच्चों आपको थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन, इसको बच्चों आपको नोट डाउन करना चाहिए। ओके बच्चों आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका टू एक्टिवेशन पिक होगा, पहले फास्ट हो फिर आप लेस एक्टिव हो, जो आपका सेकंड स्लो तो उसको ज्यादा एक्टिवेशन दी चाहिए, तो आप बोलोगे सेकंड पिक इज द हायर देन फर्स्ट, तो ये आपको देखो इस वाले को आपको नोट डाउन। अगेन ऐसा क्वेश्चन, अगेन ऐसा क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में बच्चों प्रॉपरली मेंशन नहीं किया है, जो आपके होगा मल्टीपल स्टेप में होता है रिएक्शन। ओके तो अगेन थोड़ा सा आपको ये हार्ड क्वेश्चन पूछा है। आगे बढ़ते बच्चों, अब बच्चों अगेन क्वेश्चन आ रहा है आपका, आ रहा है अरेनेस इक्वेशन से, तो बच्चों ये आपका अरेनेस इक्वेशन पार्ट था, बोला बच्चों जो आपका यहाँ पे एक्टिवेशन जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये मैंने आपको क्लास में नोट डाउन भी कराया था, तो क्या बच्चों होता है ये देखो द एनर्जी बिलो विच ऑल द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स विल नॉट, देखिए एक्टिव इज बेसिस द मिनिमम एनर्जी ऑफ कोलाइडिंग मॉलिक्यूल बस अंडरगो रिएक्शन, हाउएवर नॉट ऑल द मॉलिक्यूल प्रोसेस एक्टिव, तो क्या बच्चों आपको ऑप्शन बी होगा यहाँ पे होगा राइट। ये बच्चों तो मैंने आपको बच्चों आपको मैंने क्लास में करवाया था, और बच्चों में क्या बोलता है जो आपका ये पूरा पार्ट है जो ये वाला पार्ट ये भाई ये पूरा पार्ट, ये बच्चों क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विच ग्रेटर एनर्जी एक्टिव ग्रेटर देन इक्वल टू एक्टिव, तो आपको यहाँ पे नहीं, तो ये पूरा पार्ट आपको रहता है, तो ये आप बच्चों आपका जो कोलिजन थ्योरी वाला पार्ट था तो वहां पे आपको बच्चों ये पार्ट पढ़ने मिलेगा, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर। बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अब बच्चों अगेन आपका अरेनेस वैसे वैसे क्वेश्चन पूछा गया, अगेन ये बच्चों इजी क्वेश्चन है इतना टफ नहीं, तो बोला गया बच्चों अगर आपका टेम्परेचर एकदम इन्फिनिट तो क्या होगा, देखो हम बच्चों क्या जानते हैं के इज इक्वल टू ए इंटू विड्थ पावर माइनस ए बाई आर, बच्चों में क्या होता अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाए तो क्या बच्चों का जो आपका रेट क्वेश्चन क्या वो आपका अरेनेस फैक्टर ये सेम हो जाएगा, तो मतलब क्या बच्चों ए का के का जो वैल्यू होगा ए का भी वो सेम वैल्यू होगा, आपको एग्जाम में क्या है आपको एग्जाम में निकालना है एक्टिवेशन एनर्जी एंड अरेनेस फैक्टर, तो क्या बच्चों को देखो द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट, तो के की वैल्यू बच क्या होगा के की वैल्यू आपके ए के बराबर होगा, तो ए के बच्चों क्या देखो ए आपका है आपका होता है दैट इज है ये देखो ये आपका है ये आपका के की वैल्यू है ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी और ये आपका अरेनेस फैक्टर, तो बच्चों क्या होगा जब आपका टेम्परेचर इन्फिनिट चल जाएगा तो क्या होगा आपका जो रेट क्वेश्चन होगा आपका ए के बराबर होगा, ए के बच्चों ए के वैल्यू आपका है 6 × 10⁻¹, तो क्या होगा आप बोलोगे आपका रेट क्वेश्चन हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, मतलब कि इन दोनों का सेम आंसर होगा कि आपका ए के बराबर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर। देन बच्चों अगेन ये क्वेश्चन आपका इजी पार्ट से पूछा गया था, बच्चों अगेन आगे बढ़ता आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया, अगेन यहाँ बच्चों ने आपको पूरा पे डिटेल्स यहाँ पे मेंशन किया था क्या जब के इन्फिनिटी क्या के इन्फिनिटी हो जाएगा ए के बराबर, ऐसे आपको बताओ। आगे बढ़ते बच्चों अगेन बच्चों दो आपका अरेनियस फैक्टर से क्वेश्चन पूछा गया, बच्चों थोड़ा सा ये मैं बोलूंगा ये थोड़ा सा आपका ट्रिकी क्वेश्चन है, देखो जब ए से बी बन रहा है तो अरेनियस यूनिट 10⁸ है, जब पी से क्यू बन रहा है आपका वैल्यू 10⁻¹ इतना है, इफ एक्टिवेशन है ए से बी में इतना है पी से क्यू में आपका इतना है, फाइंड द टेम्परेचर विद रेट कॉन्स्टेंट आर सेम, तो बोला कि कॉन्स्टेंट है आपका रेट में सेम होना चाहिए, देखो हमारे क्वेश्चन में क्या होता है के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू द पावर माइनस ए बाई आर टी, ओके हाँ समझो क्या बोलो बोला बोला क्या बच्चों, ओके ए से बी में ए कितना है 10⁸, आपका पी से क्यू में कितना है ए वैल्यू आपका 10⁻¹ है, ओके हमें बच्चों ये निकला है ऐसा टेम्परेचर
जहां पे आपका रेट कॉन्स्टेंट से मुझे मतलब कि आपका जो के वन है इक्वल टू के टू हो जाए, मतलब दोनों सेम हो जाए, मतलब के वन एक के टू सेम हो जाए, तो क्या बचूगा, दोनों को हम डिवाइड कर दें। ओके तो क्या क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब बने, देखो आप बोलोगे आपका दोनों को सेम होना चाहिए, मतलब कि आपका जो के वन है वो के टू के बराबर हो जाए, तो मतलब ये वाला क्या हो, ये आपका सेकंड से सेम हो जाएगा, आपका दोनों क्वेश्चन बने बने हैं। देखो देखिए जरा, ये आपका पहला के वन है, ये आपका दूसरा के, दूसरा आपका के टू है, ए टू बोला बच्चों। ए वन कितना है, ए वन आपका है 10 के पावर 10, ए वन कितना बच्चों, ए वन आपका है 10 के पावर 8, इसको डिवाइड कर दिया तो आपका 10/2 आ गया ई, है ना, ई कॉमन बच्चों, माइनस माइनस ए टू माइनस ए वन, देखो माइनस ए टू माइनस ए वन आ गया, तो ई वन बच्चों कितना था देखो जरा 1200, ये आपका ई ए टू था और ये आपका ई ए वन है, तो बच्चों बच्चे कह रहे हैं हम इसको दोनों डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है तो क्या बच्चों, देखो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 1200 माइनस 600, तो ये आ जाएगा 600 एक्सपोनेंशियल, मतलब ई मतलब आपका एक्सपोनेंशियल है, आर टी, आर क्या बच्चों, देखो आर आपका है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, तो यहाँ पे 2 आ, टी आपको निकाल, तो टी बच्चा क्या हो जाए, अब देखो आप बोलोगे 10 के पावर 2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस ई टू द पावर 200 बाई सॉरी 600 बाई 2 टी, हमें टी निकालना है, तो क्या होगा बच्चों, ये आपका पावर में चेंज क्या होगा, तो ये आपका एल एन में चेंज हो जाएगा, एल एन 10 के पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 600 बाई 2 टी, ये क्या बच्चों, ये होगा 2 ln 10 इज इक्वल टू 600 बाई 2 टी, टी निकालना है, टी ऊपर की जगह क्या बनेगा 600 बाई 2 into ln 10, ln 10 क्या होता है, ओके अब ln नहीं पता हमें बच्चों, हमें यहाँ बच्चों यहाँ पे आपका ln 10 को log 10 में चेंज करना पड़ेगा, तो क्या होगा 2.303 आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या होगा 600 बाई 2 into 2.303 log 10, बिकॉज हमें पता है log 10 1 होता है, ln 10 नहीं होता, क्या होगा ये पूरा पार्ट 1 हो जाएगा, तो क्या होगा ये होगा 600 बाई 4.314, 614, तो बोलोगे आपका आंसर क्या होगा बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा कहाँ चला गया, टी निकालना बच्चों, टी निकालना है ना, टी आ गया अब तक, ये आपका आंसर नहीं है ना, आप बोलोगे तो इसका सी आंसर, ये आपका आंसर, देखिए बच्चों यहाँ पे ओके देखो, हाँ ये बच्चों क्या होता है, देखो जरा ये 2 से ये 300 कट गया, तो ऊपर आपका न्यूमरेटर में आपका 300 आ गया, देखिए सर, है ना, तो बच्चों ऐसे एक क्वेश्चन बच्चों आपको बहुत ध्यान से समझ समझ करना है, ये 2 से 3 कट गया, तब आपका ये 2 नीचे डिनोमीटर में आ जाएगा, पहले भी तो 2 था ना बच्चों, 2 से ये आपका कट गया तो 300 आया, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी होगा आपका, होगा राइट, तो कैसे कहते ना, आपको के1 निकालना है, फिर आपको K2 निकालना है, ए टू ई टू पावर माइनस ए टू बाई आर टी, दोनों क्वेश्चन सेम करना है और फिर आपको आंसर करना है सब चीज। अगेन बच्चों काफी IIM के क्वेश्चन था, इससे आपको नोट डाउन करना, अच्छा क्वेश्चन था पूछा गया, ठीक है चलिए बच्चों, आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर, ओके आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 11th क्वेश्चन किनारा आपका आ रहा है इक्विलिब्रियम, ध्यान समझो हम कैसे, देखो ये आपके इक्विलिब्रियम है ओके, और सेकंड वाला क्या था बच्चों, सेकंड वाला आपका है एक क्वेश्चन, तो इससे इसका रेट कैसे बचेगा, इसका रेट होगा इज इक्वल टू के टाइम्स एनओ बी आर टू और एनओ एनओ बी, ओके हम बच्चे इफ द सेकेंड स्टेप इज द रेट डिटरमिनेशन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आप बोला गया कि आपका एनओ के ऊपर आपका कौन सा ऑर्डर आपको बोला, ये पूछने का है, तो ये आपका सेकंड इक्वेशन का एक क्वेश्चन बना दिया। अब देखो पहला वाला इक्विलिब्रियम तो कैसे निकालेंगे, मैं बोलूंगा के इक्विलिब्रियम में आएगा आपका प्रोडक्ट दैट इज एनओ बी आर टू डिवाइड बाई एनओ और यहाँ पे आएगा
बी आर। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एनओ बी आर है, तो मुझे यहाँ पे एनओ बी निकाल, तो कैसे निकालूंगा मैं एनओ बी आर, कंसिडरेशन एनओ बी आर, तो क्या होगा, ये हो जाएगा के इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाई बाई, ये पूरा पढ़िए मल्टीप्लाई में जाए तो क्या होगा, मल्टीप्लाई बाई एनओ और यहाँ पे आएगा बी आर टू। अब एनओ को जो कौन सा ये अवेलेबल पुट को क्या होगा, रेट आ जाएगा के टाइम्स के इंटू के इक्विलिब्रियम एनओ बी आर की जगह हमने ये वाले पुट किया, हमने पहले क्वेश्चन में एनओ बी आर टू और इंटू एनओ। तो बच्चों ने आप यहाँ बच्चों आपका एनओ कितना, यहाँ पे वन है यहाँ पे वन, तो क्या टू हो जाएगा, तो बोलोगे के इंटू के इक्विलिब्रियम आ जाएगा एनओ टू का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा बी आर टू, तो बोलोगे सेकेंड ऑर्डर है आपका विथ रिस्पेक्ट टू एनओ और फर्स्ट ऑर्डर आपका बी आर टू, तो क्या आंसर आएगा आपको विद रिस्पेक्ट एनओ के, तो क्या होगा आप बोलोगे यहाँ पे आपका सेकंड ऑर्डर है। तो बच्चों ये आपका अगेन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है, और आपका यहाँ पे के इक्विलिब्रियम निकाल, अगेन ऐसे क्वेश्चन बच्चों हम अगेन क्लास में प्रॉपरली करेंगे। ओके थोड़ा सा ये अगेन बच्चों थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जैसे बोल, अगर आपने किया नहीं हो तो, ये हो गया आपका इलेवंथ क्वेश्चन, तो बोलोगे इलेवंथ का बच्चों आंसर ऑप्शन डी होगा आपका, होगा राइट आंसर, ये बच्चों हमने इसका एक क्वेश्चन, ठीक है ये दो बच्चों ये इसका पूरा मैकेनिज्म, ये मैंने क्वेश्चन लिखा, फिर मैंने आपका एनओ बी आर का मैंने यहाँ पे कंसर्न निकाला, फिर यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे आपका स्कोर हो गया, तो ये आपका सेकंड ऑर्डर को फॉलो। ओके आगे बढ़ते बच्चों, देखिए अब बच्चों ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन है, देखो है ना इथाइल एसिड बच्चों, देखो अगेन ये पूरा आपका एनसीईआरटी वाला पार्ट, देखो द हाइड्रेस इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डरेशन, दिस मीन द रेट क्या बच्चों का, रेट बच्चों किस पर डिपेंड करेगा, रेट आपका डिपेंड करता है खाली आपका एस्टे के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि आपका वाटर के ऊपर। तुम बच्चा क्या बोलेंगे, तुम बच्चा ये बोलेंगे हम खाली यहाँ पे एस्टे का कंसेंट्रेट आपको हम बच्चे मेजर करते, बोलोगे ऑप्शन डी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर, फर्स्ट बच्चों ये खाली हम इसी के ऊपर डिपेंड, बच्चों क्या वाटर तो आपका बहुत ज्यादा होगा ना, वाटर यहाँ पे ज्यादा हो तो क्या ये आपका रोल प्ले नहीं करेगा, तो बोलोगे ऑप्शन डी होगा राइट। अगेन बच्चों ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, मैंने आपको तो याद करो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, देखो ये टेस्ट में आपको पूछा भी है। अगेन बच्चों आगे बढ़ते हैं, देखो बच्चों बोला, देखो यहाँ पे देखो बोला गया वाटर सेकंड एक्सेस, तो ये आपके काम ही नहीं आएगा, तो बोलोगे डी आपका होगा राइट। ओके चलिए बच्चों आगे क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, अगेन रेट लॉ लिखना बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है ये बच्चों पर, काफी इजी क्वेश्चन है बच्चों, हम रेट कैसे लिखते हैं, रेट होता है के टाइम्स ए के पावर एक्स एंड बी के पावर वाई, तो बच्चों यहाँ पे एक्स और वाई क्या दो बच्चों आपका एन और एन दिया है, तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसे देखो यहाँ पे थ्री है यहाँ पे टू है, तो क्या होगा -1/3 dA/dt होगा, dA/dt होगा इज इक्वल सी कहाँ पर चल रहा है, ये आ रहा है देखो बच्चों, देखो यहाँ पे सी है, देखो सी आपका पढ़ती क्या बच्चों, ये होगा dC/dt इज इक्वल टू के, ये तो क्या होगा बुक, अब लोग यहाँ पे ये आपका रिएक्टेंट है और तो रिएक्टेंट में आपका नेगेटिव आएगा आउटपुट में पॉजिटिव, अब बोलोगे आपका ऑप्शन डी होगा यहाँ पे आएगा, देखो खाली आपका रेट होगा ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो नहीं आने वाला, अगेन यहाँ पॉजिटिव ये भी नहीं आएगा, माइनस स्टोइकोमीटर तो यहाँ पे दिया तो ये भी नहीं आया, तो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर। देखो बच्चों ये आपका अगेन इजी क्वेश्चन पूछा जाता है आपका रेट लॉ से, रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों क्वेश्चन पूछा था, इजी क्वेश्चन ये आपका बच्चों हार्ड क्वेश्चन में गिना नहीं जाए। ओके तो बच्चों हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, इजी पार्ट था यहाँ पे, देखो यहाँ पे इसका तो यहाँ पे इसका प्रॉपर इसका सोल्यूशन। ओके डन सारे बच्चे लोगों, आगे इसको इश्यू नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना आगे बढ़ते हैं, अगेन बच्चों देखो क्वेश्चन बोला गया रेट ऑफ फॉर्मेशन इज दिस, O3 का फॉर्मेशन इतना है और आपको रिएक्शन बोला गया व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस O2, तो इसका हमें रेट लिखना पड़ेगा क्या होगा, देखो -1/3 DO2/dt इज इक्वल टू 1/2 DO3/dt, है ना आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा इस पूरे पार्ट को यहाँ पे लेके जब क्या होगा
डी ओ टू बाई डी क्या होगा, हो जाएगा 3/2 टाइम्स द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओजोन बाई डी टी। ये आपको यहाँ पे दिया गया है ना, पुट करो 3/2 × 2 × 10^-7, 2 टू कैंसिल होते, क्या आंसर है 3। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी होगा आपका, होगा राइट। देखिए खाली आपका रेट ऑफ क्वेश्चन पूछा, कितना सिंपल क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे आपका, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, खाली एक क्वेश्चन लिखना है और आपको एक क्वेश्चन इक्वेट कर देना, आ जाएगा आपका आंसर सिंपल। ओके फाइन बच्चों, तो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे, होगा राइट आंसर। अगेन रेट ऑफ रिएक्शन से बच्चों क्वेश्चन है। ओके आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ ये रहा इसका पूरा बच्चों, इसका डिटेल सोल्यूशन, ये रहा इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं, हायर ऑर्डर रिएक्शन ग्रेटर देन 3 आ रहा है, ये इतना कम क्यों होता है बच्चों? इसके रीजन ये बच्चों होता है बिकॉज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल रेट स्पीसीज। अगेन बच्चों ये आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको नोट डाउन करना पड़ेगा। तो बोलोगे 15 का होगा ऑप्शन ए, होगा आपका राइट आंसर। दैट इज द लो प्रोबेबिलिटी ऑफ द साइमल्टेनियस कोलिजन ऑफ ऑल रेट स्पीसीज, तो ए होगा बच्चों उसका होगा राइट आंसर। ओके ए होगा आपका, होगा यहाँ पे राइट आंसर। अगेन बच्चों ये आपका फैक्चुअल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जल्दी बच्चों जेई में नहीं आता। अगेन बच्चों जेई में आपका जीरो ऑर्डर, हाफ लाइफ, ऑर्डर वेल डिस्पेंड करता, आपका फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन आता है। ओके बचाए करते हैं एग्जीक्यूशन। तो क्या बच्चों दो यहाँ पे आपका यस रहेगा क्या बच्चों, बिकॉज ऑफ लो प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंडविच, ये आपको ध्यान। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगेन बच्चों देखो अगेन ना देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एसिड से मतलब कि आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर से बच्चा क्वेश्चन पूछा है, देखिए जरा। तो बच्चों क्या ये आपका ओरल कौन सा रिएक्शन, ओरल ये फर्स्ट, बिकॉज बच्चा देख क्या होगा जो आपको ऑर्डर उसके नहीं काउंट नहीं करते हैं, तो क्या होगा आप बोलोगे 16 क्या बच्चा का ऑप्शन बोलेगा, बिकॉज ये आपका क्या, ये आपका सूडो फर्स्ट रिएक्शन। देखिए द एक्स ऑफ एल्केली इज नॉट मेजरेबल इन द कंसिस्टेंट ऑफ एल्केली, सो इट इज डिपेंड ऑन स्ट्रेंथ, तो ये आपका सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पे, होगा राइट आंसर। ओके चल आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बच्चों ये थोड़ा सा आपका अच्छा क्वेश्चन पूछा था, बोला गया बच्चों दो N2+3H2 गिव्स अमोनिया और इसका ये आपका एंथैल्पी चेंज बोला, एक्टिवेशन एनर्जी इसका 70, अब बोला कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बोला गया। तो बच्चे फॉर्मूला होता है अगेन डेल्टा एच बच्चे होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड एक्शन। एंथैल्पी आपका 22 है, फॉरवर्ड का 70, तो माइनस आपको निकालना है बैकवर्ड का, तो क्या होगा बच्चों? ओके आ जाएगा आपका आंसर, यहाँ पर माइनस आएगा, एंथैल्पी नेगेटिव है यहाँ पे, तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा 92 किलो कैलोरी पर, तो इसका आंसर आएगा आप बोलोगे इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए होगा, इसका होगा राइट आंसर। ठीक है ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। तो बच्चों ये आपको थोड़ा फॉर्मूला बेसिक, ये आपका फॉर्मूला आपको याद है तो आप क्वेश्चन, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन इजी है, पर अगर नहीं पर आप आपको हार्ड लगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अगेन बताओ बच्चों देखो क्वेश्चन आपका आ गया, अगेन आपका आ रहा है रेट ऑफ रिएक्शन से, देखिए हाइड्रोजन और अमोनिया कंपेयर कीजिए, हाइड्रोजन आपका रिएक्टेंट पे है तो नेगेटिव वाला पार्ट आएगा, तो नेगेटिव कहाँ पर है, तो यहाँ पे नेगेटिव है, और 2 है तो क्या यहाँ पे 1/2 आएगा, पॉजिटिव में आएगा तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ दो यहाँ पे नेगेटिव में, तो ऑप्शन ए नहीं होगा है ना। तो क्या बच्चों ऐसे कर सकते हैं, देखो -1/3 VH2/dT इज इक्वल टू 1/2 DNH2/dT, तो क्या होगा -DH2/dT क्या होगा,
अगेन यहाँ पे उन्होंने नाइट्रोजन, तो क्या हो नाइट्रोजन में क्या बच क्या होता है, -DN2 by D। तो आप बोलो क्या होगा, नाइट्रोजन नेगेटिव में होगा और अमोनिया पॉजिटिव होगा। ऐसा कोई ऑप्शन है बच्चों, देखो जरा देखो, आप बोलोगे ऑप्शन सी, देखो ऐसे ऐसा देखो, नाइट्रोजन नेगेटिव में ऑप्शन अमोनिया 1 by 2, तो आप बोलोगे ऑप्शन सी वो राइट आंसर। ऑप्शन क्यों में पूछो, तो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, ये नहीं हो सकता। ओके ये नेगेटिव है, लेकिन बच्चों क्या यहाँ पे 1 by 2 होना चाहिए था, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, तो ये भी नहीं हो। ओके एस टू का बच्चों आपका रेटिंग, तो यहाँ पे नेगेटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव भी नहीं होगा, तो बोलोगे ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा राइट आंसर। तो अगेन बच्चों ये देखो आपका रेट ऑफ एक्सीडेंट क्वेश्चन पूछा, ऑप्शन सी होगा यहाँ पे होगा राइट। अगेन बच्चों आपको सबका चेक करना पड़ेगा, अगेन इजी क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिख लो फिर आप कंपेयर, तो आपका ज्यादा अच्छा जाएगा। ओके तो ये माइनस नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इन दोनों को कंपेयर किया, सी होगा आपका राइट। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते बच्चों ना, अब बच्चों देखो 19th क्वेश्चन बच्चों को पूछा है, देखो जरा है ना। अगेन बच्चों ये थोड़ा सा आपका फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन, ध्यान दो बच्चों, देखो ना द रेट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट ऑफ इन्वर्जन शुगर डिटरमाइन द हेल्प ऑफ कोलेमेट, तो बच्चों ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये आपका स्टेटमेंट दो था ना बच्चों। हम क्या बोलेंगे दैट इज के, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, और बच्चों क्या होता है जो आपका फर्स्ट ऑर्डर है वो आपको होता है इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, तो ये भी सही है ये भी सही, लेकिन बच्चों क्या होगा बोलोगे, लेकिन जो रीजन है आपका सही स्टेटमेंट, तो क्या होगा यहाँ पर आपको ऑप्शन बी होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर होगा जो होगा आपका राइट आंसर। ओके ऑप्शन बी होगा आपका होगा यहाँ पर राइट, तो बोलोगे एसर्शन सही है आपका, रीजन भी सही है, लेकिन आपका रीजन आपका ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, ट्रू रीजन नहीं है इसका समझाने का, ऑप्शन बी होगा आपको राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते बच्चों, देखिए यहाँ पे इसका बच्चों यहाँ पे इसका सोल्यूशन देगा। ओके ये आपका फर्स्ट ऑर्डर था, ठीक है ना, आगे बढ़ते बच्चों। अब बच्चों क्वेश्चन कहाँ से ध्यान दे दो बच्चों, अब क्वेश्चन आपका रिलेटेड क्वेश्चन है ना, फॉर अ कॉम्प्लेक्स सेक्शन मॉलिक्यूलर ट्रिक इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेक्शन। अगेन बच्चों अगर आपका कॉम्प्लेक्स सेक्शन है तो क्या बच्चों वहां पे आपका मॉलिक्यूलर नहीं आएगा, तो आप बोलोगे एसेशन रॉन्ग है, मॉलिक्यूलोमेट्री हैज नो मीनिंग फॉर एलिमेंट्री। अगेन बच्चों मॉलिक्यूलर खाली आपका एलिमेंट्री ट्रू होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं, तो क्या ये भी आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, तो क्या बोलोगे, आप बोलोगे दोनों आपके यहाँ पे फॉल्स रीजन आए, तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट आंसर, कि दोनों आपका स्टेटमेंट रॉन्ग होता है, ये आपका इनवर्स दिया दिया गया है। कॉम्प्लेक्स के लिए आपका मॉलिक्यूलर कुछ पार्ट नहीं होता, और आपका एलिमेंट्री के लिए बच्चों आपका मॉलिक्यूलर यूज होता है, तो आपको ऑप्शन डी यहाँ पे होगा राइट आंसर। ओके बच्चों तो बच्चों यहाँ पे आपका सारा एमसीएस पार्ट खत्म हो गया, अब बच्चों हम जाते हैं आपका न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर। देखो अब ये बच्चों लिखा है बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, ओके चलिए आगे बढ़ते बच्चों। अब मेरे पास देखो अगेन एक क्वेश्चन जो पूछा गया बच्चों, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन से, बोला गया हाफ लाइफ, बोला गया आपको निकालना है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ ए, आपको हाफ लाइफ निकालना, और आपको चाहे आपको रेट कॉन्स्टेंट दिया गया, और आपको दो ये रहा आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, तो बच्चे एक फॉर्मूला होता है अगेन हाफ सेकंड, अगेन सेकंड ऑर्डर से बच्चों क्वेश्चन का मतलब बच्चे फॉर्मूला होता है टी हाफ इज इक्वल टू 1/K इंटू ए नॉट, ये बच्चा आपका हाफ सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे के क्यूएल पुट करो, के क्यूएल कितना है 0.5, तो 1/0.5 ए इनिशियल क्या था बच्चों आपका है 4 × 10^-2, इसको सॉल्व करो आपका नहीं आ जाएगा आपका हाफ लाइफ, तो देखो जरा क्या आंसर, देखो ये इसका आंसर आपका आंसर जगह 50 मिनट का आंसर है। अगेन बच्चों ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, ये आपका फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आपको आ गया, अगर आपको नहीं आता तो नहीं आता। अगेन बच्चों सेकेंड ऑर्डर से बच्चों जनरल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं देखने मिलता, आपका जो जेडब्ल्यू का सिलेबस है बच्चों उसमें उसमें खाली उन्होंने मेंशन कर दिया है, और उन्होंने जीरो ऑर्डर आपका फर्स्ट ऑर्डर ही मेंशन किया है, सेकंड ऑर्डर आपका मेंशन नहीं किया है, लेकिन फिर बच्चों क्वेश्चन आ गया तो कोई बात नहीं ऐसे कैसे।
बच्चे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए तो बच्चे आपने वो निकालना, आपको निकालना है आपका ऑर्डर ऑफ वेक्शन। बच्चों ये क्वेश्चन आपका आईएमपी है। बच्चे यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, इस फॉर्मूला बच्चे आपको नोट डाउन करना है, ध्यान समझना। देखिए टी हाफ जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसेंट्रेशन के पावर 1 माइनस एन, ये होता है फॉर्मूला। देखो जब आपका टी हाफ था 3.64 तो आपका आपका हाफ आपका कंसेंट्रेशन 50, तो पहला क्वेश्चन बच्चे क्या बनेगा, जब आपका टी हाफ था 3.64 था है ना, तो आपका इनिशियल क्या था, इनिशियल था आपका था 50। ओके पावर 1 माइनस, जब आपका टी हाफ हो गया 1.82 डिवाइड बाय 1.88, तो अब आपका इनिशियल क्या था बच्चों, था 100। यहाँ पे आएगा 1 माइनस, सॉरी यहाँ पे आपका एन माइनस वन का। अगर मुझे इतना रिकॉर्डिंग दे रहा तो फॉर्मूला माइंड चलती ऐसा वन फॉर्म तो मुझे क्या होगा कि 1000 ये 2000 ये 1000 ये 2000। तो बच्चे यहाँ पे क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे आएगा 2 के पावर 1, यहाँ पे आएगा 2 के पावर n माइनस 1। अगर आपका बेस सेम है तो पावर भी आपका क्या सेम होना चाहिए, 1 इज इक्वल टू n माइनस 1, n कितना आ जाएगा 1 प्लस 1, ये हो जाएगा सेकंड ऑर्डर। बोलिए बच्चों ये फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चन जेई में आते हैं, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, और बच्चे ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर का एक क्वेश्चन फॉलो करेगा, लेकिन बच्चों बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। देखिए इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द एन माइनस वन मिला। ओके आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बच्चे देखो क्वेश्चन आ रहा है आपका, आ रहा है गैस फेज इक्वेशन। बच्चों क्वेश्चन देखो तो है, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। देखिए जरा टोटल प्रेशर आपको यहाँ पे दिया गया है, ओके टोटल प्रेशर यहाँ पे दिया गया है। ओके अब हमको हमको निकालना है, हमको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन वाई, हमें वाई निकालना है वाई क्या होगा। तो बच्चा हम रेट कैसे निकालते हैं, रेट को कैसे निकालते, के होता है, ये होता है देखो होता है 2.303 बाय टी लॉग इनिशियल प्रेशर ऑफ SO2Cl2 अपॉन फाइनल प्रेशर ऑफ SOCl2। कैसे निकालें ये क्वेश्चन होगा, तो कैसे होगा ये क्वेश्चन बच्चों, कैसे होगा ध्यान दो, आपका इनिशियल प्रेशर कितना है 0.5। अब कुछ टाइम बच्चों क्या होगा, ये आपको कुछ घट जाए तो कितना होगा 0.5 माइनस एक्स, आपको एक्स निकालना है। देखो जरा कैसे निकालते हो, जरा आप इस ए मानो बी, तो जब आपका टाइम था 0, ओके 0.5 था, ए और बी आपका 0 0 था, जब आपका टाइम हो गया 100 कितना बच हो गया 0.5 माइनस एक्स हो गया, बी आपका बना एक्स, सी आपका बना एक्स। तो जब टाइम टी पे आपका टोटल प्रेशर कितना होगा, सबको ऐड करना पड़ेगा 0.5 प्लस माइनस एक्स प्लस एक्स, कट गया तो क्या आपका टोटल प्रेशर कितना, आपका टोटल प्रेशर क्या है इतने पे इतना है 0.6 है, तो यहाँ पे आपको एक्स मिलेगा। देखो सर एक्स मिलेगा है ना, एक्स मिलेगा। देखिए ये आपका फॉर्म, ये आपका दो फॉर्मूला, ओके ये आपको फॉर्मूला, तो आपको एक्स मिलेगा। देखो कितना है 0.6 इज इक्वल टू 0.5 प्लस एक्स, ओके इसको बच्चे सॉल्व करोगे। देखो हाँ अगेन आपको यहाँ पे टोटल प्रेशर दिया गया है 0.65, तो 0.65 होगा यहाँ पे एक्स आएगा, एक्स कितना होगा माइनस करो, ये आपका आएगा इतना, पुट करो देखो बल पुट करो आपका इतना आंसर आएगा, यहाँ पे आएगा 0.15, ठीक है तो यहाँ पे आ जाएगा 0.3। सॉल्व करोगे के निकालोगे, ओके टाइम आपका दिया गया है
तो इतना आपका हो जाए, बचत है ठीक है। बचो 7.8, क्या 7.8 का नियर आंसर कितना बचोगा, ये होगा 8। तो ऐसे बचो आपको यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन। ओके डन, वैल्यू पुट किया, वैल्यू पुट किया बच्चों, तब आपको वहाँ पे रेट निकल तो आ जाए, तो आप बोलोगे यहाँ पे आपका 8 होगा, पूरा सोल्व करो तो आपको यहाँ पे 8 आंसर, 8 आंसर ठीक है। अगेन बच्चों फर्स्ट ऑर्डर से क्वेश्चन पूछा है, अगेन विदाउट कैलकुलेटर बच्चों ये सब करना बहुत ही टफ हो जाता है, मैं ये मानता हूँ विदाउट कैलकुलेटर बच्चों ये करना बहुत टफ हो जाता है। ये रहा रेट, ये रहा रेट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन, रेट निकालना बच्चों क्या होगा, के इंटू पी, के दो, ये रहा के और ये रहा आपका प्रेशर, मल्टीप्लाई आपका आंसर, तो देखो ये आपका रेट, समझो बच्चों हम यहाँ पर रेट, हम किसी भी रेशर रेट कैसे निकालते हैं, रेट हम खाली रिएक्टेंट का निकालते हैं। देखो रिएक्टेंट में क्या है, रिएक्टेंट में आपका ये है, ये क्या होता है गैस, मतलब क्या इसका प्रेशर होगा, तो इसका प्रेशर देखो रेट क्या हो, के इंटू पी, पहले के निकाला आपने ये फॉर्मूला आपको, तो पहले के निकाला, के निकालने बाद आपने यहाँ पे पी निकाला, पी आपका गिवन है कितना, पी गिवन है पी आपका था कितना 0.65 और टाइम टी, तो ये आपका वाली पुट, तब तब जाके आपका आंसर आया। क्वेश्चन को समझना पड़ेगा जो क्वेश्चन एग्जाम, ठीक है ना, इजी क्वेश्चन पर लेकिन टाइम लग सकता है, बिकॉज विदाउट कैलकुलेटर करना बहुत मुश्किल होगा यार। अगे बच्चों ये आपका 24 क्वेश्चन है, ओके ये अगेन बच्चों आपका 24 वाला क्वेश्चन है, अगे बच्चों आपका ये फर्स्ट ऑर्डर से पूछा है, तो जब भी आपका जो भी आपका रेडियो एक्टिव वाला पार्ट हो, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर से पूछना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल में बच्चे होता है क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाय के लॉग आर नॉट अपॉन, तो बच के बोला दो, ये बोला कि आपका 1 क्यूरी, ये आपका इनिशियल है, तो यहाँ पे यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 क्यूरी आ जाएगा। टीआर बोला गया 15 घंटा, जो आपका हाफ लाइफ वो आपका 15 घंटा बोला गया, तो यहाँ से के क्या हो कि आपको हो जाएगा 0.693 बाई 15 आवर्स हो जाएगा, तो के को पुट करोगे। फिर बच्चे का बोला दो द एक्टिविटी आफ्टर पीरियड 2 वीक, तो वो 2 दिन में कितना होगा वो आपको बताना है, तो आपको बच्चों 2 वीक का आपका टाइम लेना पड़ेगा, 2 वीक में आपका 14 डेज होते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपको इन्होंने निकाला ये आपका टाइम, ये आपका 1 क्यूरी है और आपको सीटी निकालना है, क्या तो बच्चों निकालना आपको क्यूरी, आपको बोला क्या है जो आपका सीटी होगा वो सीटी होगा आपका 0.02 x μc, मतलब आपको एक्स निकालना, आपको एक्स सीटम निकालना पड़ेगा, जो भी आपका आंसर है बच्चों आपको इस टाइम में निकालना पड़ेगा। तो कहना है मतलब बच्चों अगेन ऐसे क्वेश्चन, अगेन आप बच्चों आपको जेई में आपका इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता, खाली वैल्यू पुट का आपका आंसर आएगा, लेकिन आपको बोल दो ये आपका एक्चुअल आंसर है, जब आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया आपने है ना, यहाँ पे आपको लॉग से आपका एंटी लॉग निकला, आपने यहाँ पे सी निकाला, सी निकाल दिया, सी निकाल बच्चों क्या हो दो, ये आपका 0.8 आ रहा है माइक्रो क्यूब, आपको एक्सीडेंट कितना होगा, ये आपको 2 टाइम्स, तो क्या होगा 0.9, जब आप 9 को इससे मल्टी, तो क्या आंसर होता है क्या होगा एक्स, आपका 9 आंसर आएगा। तो बच्चा कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन इजी है लेकिन जो आपका आंसर निकाल तो वो आपका टफ हो जाता है, तो ये आप बच्चों ये आपका थोड़ा सा, लेकिन बच्चों ये आपका हार्ड लेवल क्वेश्चन निकल, बिकॉज टाइम भी जा रहा है और आपका क्वेश्चन है पूछे तो आंसर ही अलग पूछा गया है फैक्टर के टर्म, आंसर निकालो उसको वैल्यू पुट करो, तो बहुत टाइम कंज्यूम कुछ क्वेश्चन नहीं है। ओके बच्चों ऐसा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं, आई होप सारे बच्चों क्वेश्चन में कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर का क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करें पूरा वो दो के वैल्यू पुट निकाला था, ये आपका आ रहा है हाफ लाइफ से जो प्रिंसिपल वैल्यू आया, बोला गया कि 2 वीक के लिए इतना दिन और इतना आवर, 1 दिन में 7 दिन होते हैं और 1 दिन में 24, तो क्या हुआ ये आपका टोटल टाइम, ये आपका हो गया टोटल टाइम आ 2 वीक का, 2 वीक सॉल्व किया, लॉग से एंटी लॉग निकाला, तब जाके ये आंसर आया, अगेन एंटी लॉग का वैल्यू भी बच्चों यहाँ पे मेंशन नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो अगेन आपको क्वेश्चन टफ हो जाएगा है कि नहीं, समझो इस बात,
आंसर आने के बाद आपको इस वजह से करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे एक्स सोल्यूशन पड़ेगा, एक्स आपका क्या होगा टू टाइम दिस, तो अब आपका ये आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपका जे में, लेकिन अगेन इतना इंटेंस क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 24 क्वेश्चन अगेन बच्चों आपको ये सेकंड ऑर्डर से बच्चों क्वेश्चन पूछा गया। तो बच्चों इसके लिए आपको ना इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो बच्चों ये रहता है फॉर्मूला, के निकाले बच्चों ये फॉर्मूला क्या बच्चों का, के टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ये होगा आपका इनिशियल, ये होगा फाइनल कंसंट्रेशन। तो देखो जरा 0.8 से 0.1 जा रहा है, ओके 0.8 से 0.8 जा रहा है, 0.8 से 0.1 जा रहा है, एक्स कितना होगा, एक्स आपका 0.7 होगा, कितना कितना कंज्यूम हुआ, और टाइम जा रहा है 70 सेकेंड। देखिए जरा ये था आपका 70, तो बच गया आपका पहले क्वेश्चन, आपको आप निकालो के निकालो, पहले क्वेश्चन आप के निकालो, क्या पूछा यहाँ पे आपको के आया, के को इक्वल कर दिया। अब बच के बोला गया जब आपका, अब बोला गया टाइम इक्वल टू बिकम 0.4 इज एक्स मोड, मतलब क्या जब 0.4 क्या होगा, ये बच्चे क्या होगा, देखो देखो जरा बोला क्या बच्चों, ये आपका ए में सबका 0.4 आ रहा है, इनिशियल था बच्चों, इनिशियल था ए आपका था 0.01, आपका ए में एक्स क्या बच्चों बोला गया, ये आपको बोला गया 0.04 बोला गया, बोला बच्चों बोल के बोला, अगर आपका यहाँ से इतना आ रहा है तो आपका टाइम कितना लगे आपको बोला गया, तो बच्चों एक्स कितना आ गया, एक्स आपका गेन हो जाएगा 0.04। सॉल्व करो, तो ये रहा पहला इक्वेशन और ये रहा आपका दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन इक्वल कर दो, आपको यहाँ पर टाइम निकालना है तो टाइम आ जाएगा आपका, आ जाएगा 10 मिनट्स। अगेन बच्चों इसका आपको फॉर्मूला आना चाहिए, अगेन बच्चों एग्जाम में आपको सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन नहीं आना, लेकिन बच्चों फिर भी आपका एग्जाम में आपका सेकंड ऑर्डर से क्वेश्चन पूछ लिया दोनों, अगेन ये आपका मेन फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ये रहा पहला क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, दोनों को इक्वल इक्वल किया, बोले को इक्वल करिए आपको टी निकाला, तब जाके आप 10 मिनट्स है। तो बोलोगे इसका आंसर क्या, इसका आंसर आपका आ जा रहा है 10 मिनट्स होगा आपका, यहाँ पे होगा आपका राइट आंसर। अगेन सेकंड क्वेश्चन बच्चों, जे के सिलेबस में आपका जीरो और फर्स्ट ऑर्डर मेंशन किया है, सेकंड ऑर्डर आपका मेंशन नहीं किया है, तो बोलोगे 25 का आंसर आप ज्यादा आपका आ जाएगा, 10 मिनट्स होगा आपका। ओके देखो अगेन बच्चों समझ के बताता हूँ, देखो जरा 0.08 से 0.01 आने के लिए आपको लग रहा है 70, तो 0.08 से 0.04 आने के लिए कितना लगेगा ये पूछा गया था सेकंड ऑर्डर बच्चों, तो आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा ऐसा, ओके एक्स अपॉन ए इंटू एक्स माइनस एक्स, पर आपका इक्वेशन आपका राइट आंसर। तो बच्चों हमने यहाँ पे सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, अगेन बच्चों बोलूंगा जो आपको क्वेश्चन था बच्चों ये आपका मॉडरेट लेवल का था बच्चों, कुछ क्वेश्चन बच्चों अगेन मॉडरेट से हार्ड बोलूंगा मैं आपको, बिकॉज बच्चों कुछ क्वेश्चन आपका सेकंड ऑर्डर का था जो कि जेई में नहीं आता, ओके और कुछ आपका बच्चों आपका स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको एन ऑर्डर फाइंड, एन ऑर्डर निकालना, एन आपको निकालना, ऐसे बच्चों वो क्वेश्चन टी हाफ दिया गया तो वो क्वेश्चन आते एग्जाम में। तो बच्चों हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, आई होप सारे आंसर बच्चों आपको यहाँ पे मेंशन किया है, सारा आंसर बच्चों आपको मिल जाएगा, अगर आपको कुछ पार्ट समझ आए तो मुझे आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है, थैंक यू सो मच, ओके टेक केयर, बाय बच्चों, टेक केयर, थैंक यू सो मच।